आज लक्ष्मी लाइव लगातार से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ डीसी ऑफिस के सामने भारतीय मजदूर संघ एक दिवस से धरने पर बैठे हैं। तो पहले हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके धरने के पीछे की वजह क्या है और किन मांगों को लेकर आज वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। देखिए जमशेदपुर से राजलक्ष्मी की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई के कारण मजदूर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? मजदूर तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। महंगाई तो सभी के लिए है, जो आज 1 लाख रुपया भी कमा रहा है उसके लिए महंगाई, और जो 100 रुपया भी पर डे कमा रहा है उसके लिए भी महंगाई उतना ही है। इसलिए महंगाई पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। जो गरीब तबके का आदमी है, जो ठेला मजदूर पर काम करने वाला है, टेम्पू चलाने वाला है, उसके लिए तो ज़्यादा और घातक है महंगाई। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसको अविलंब उस पर रोक लगाने की मांग करता है। आपका परिचय? बलराम यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश, पूर्वी से। महंगाई का विरोध आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? महंगाई पर अविलंब रोक लगाया जाए, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ जिला कार्यालय पे ज्ञापन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को लिखित दे रहे हैं इसके बारे में। नहीं तो आगे हम लोग इसको लेके और कड़ा कदम उठाएंगे। यही हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का महंगाई GST में लाने के, मतलब पेट्रोल पदार्थ को GST में लाया जाए, इसको लेके हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई कैसे रोका जाए? मुकेश कुमार, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ जो है विरोध किया है। आज का जो कार्यक्रम है जो है भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में हो रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं, जैसे जो ड्यूटी आवर्स का जो है उसका जो है कि उसमें कोई सुधार या ड्यूटी आवर्स जो है कर्मचारियों का बढ़ाया ना जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार के हो, चाहे ये कंट्रैक्ट लेबर हो। अच्छा, दूसरा, हाँ दूसरा क्या है कि हम लोगों का कि जो पेट्रोलियम पदार्थ को GST के अंतर्गत लाया जाए। जब GST लागू हुई तो इसको पेट्रोलियम पदार्थ GST के अंदर नहीं होने से राज्य सरकार अपना बैट लेती है, केंद्र सरकार अपना टैक्स लेती है। अगर वही GST के अंदर हो जाएगा तो दाम उसका 70% के नीचे आ जाएगा, 70 रुपये के नीचे आ जाएगा। तीसरी हम लोगों की डिमांड है, जो तिलहन का आज का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो तिलहन को जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम से 2 साल पहले सरकार बाहर कर दी, जिसका क्या रिजल्ट हुआ कि लोग स्टॉक करने लगे और जो है तेल का दाम बेतहाशा 2 गुना के आसपास जो है पहुंच गया। तो अपनी है कि उसको आवश्यक बधुरीवन 3x1 ऐसा कुछ उसका आर्टिकल है, उसके अंदर इसको लाया जाए। इसी तरह से जो है करके 8 सूत्री कार्यक्रम जो है भारतीय मजदूर संघ दिया है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में आज के दिन प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से भेजा जा रहा है, इसी सब 8 सूत्री मांग को लेकर के। और भारतीय मजदूर संघ को एक पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पे सोचेगी और गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, नहीं तो हम लोग क्रमशः अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैं यादवेंद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश, पूर्वी सिंह। बारे में क्या कहेंगे? आज भारतीय मजदूर संघ एक केवल ट्रेड यूनियन नहीं काम करता है, बल्कि आम नागरिक का भी जिम्मा लेता है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव लिया गया कि हमको जनता का भी ध्यान देना है। महंगाई से कर्मचारी तो त्रस्त ही है, जनता भी, आम जनता भी त्रस्त है, इसीलिए उसका प्रस्ताव लिया गया। और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा जा रहा है हर एक मुख्यालय पर, इसके माध्यम से डीसी के माध्यम से हर पूरे देश में, कि महंगाई पर रोक लगाया जाए जिससे आम नागरिक त्रस्त नहीं हो। क्योंकि आज जो है महंगाई 6% हो गई, जबकि 18 महीने पहले 3 से 5% थी और आज 6% पहुंच गई हमारी महंगाई। तो इससे आम नागरिक जो 2000-4000 पेमेंट कर पा रहा है उसकी क्या हाल है, वो मतलब उसकी जो है आर्थिक स्थिति तंग आ गई है, और कोरोना काल के कारण सभी लोग की आर्थिक स्थिति तंग हो गई है। इसे महंगाई पर रोक लगाया जाए। और महंगाई बढ़ने का कारण बहुत कारण है, एक तो पेट्रोल का दाम बढ़ना, घरेलू गैस का दाम बढ़ना, जिसपे जो GST नहीं लागू है। तो ये भारतीय मजदूर संघ भारत सरकार से मांग करता है कि जो है पेट्रोल पदार्थ पर आपका GST लागू किया जाए, जिससे आम नागरिक त्रस्त नहीं होगा, उसकी महंगाई कम हो जाएगी। और आपका तिलहन जो है खाद्य पदार्थ में जो अधिनियम के अंदर में रखा गया था, छूट दे दिया गया, जिससे जो है स्टॉकिस लोग जो है अपना स्टॉक कर लेते हैं और मार्केट में बताते हैं कि मार्केट में है नहीं, इसलिए उनका दाम बढ़ा देते हैं। ये और बोला गया कि कमजारियों को जो है मजदूरों को अगर गवर्नमेंट पैसा कुछ देती है, बढ़ाती है उनकी वेतन, तो उससे क्या होगा, मार्केट में आएगा तो महंगाई उससे घटेगी,
इसके लेकर के वेतन का बढ़ाने की भी बात की गई भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। आज पूरे देश भर में हर एक जिला के मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके प्राइम मिनिस्टर के नाम 8 सूची का सुझाव जो है दिया जा रहा है। और अब भारतीय मजदूर का आशा भी है कि अविलंब केंद्र सरकार जो है इस पे बात करेगी और अपना निर्णय लेगी, जिससे जो है महंगाई जो है कम हो। आपका परिचय? मैं मनु सिंह, प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश। रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बढ़ती हुई महंगाई को आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ या राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है केंद्र सरकार के विरोध में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। हर हाल में केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, बढ़ती हुई महंगाई पर अविलंब रोक लगाना होगा। मजदूर वर्ग आज गरीबी रेखा से नीचे है और गरीबी रेखा से नीचे मजदूर वर्ग को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज़ पर महंगाई है, महंगाई पर लगाम लगाना भारतीय मजदूर संघ को आता है और वो केंद्र सरकार से हर हाल में महंगाई पर लगाम लगवाएगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ को जिस स्तर तक जाना होगा भारतीय मजदूर संघ उस स्तर तक जाएगा, सड़क पर उतरेगा और हर हाल में केंद्र सरकार से बढ़ती हुई महंगाई पर अविलंब रोक लगाएगा। आज मजदूरों की मरने की स्थिति आ गई है। आज भारत देश में गरीब वर्ग हमेशा यह बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान भारतीय मजदूर संघ इधर आकृष्ट करता है और उनको इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बढ़ती हुई महंगाई पर अविलंब रोक लगाना अनिवार्य है। आपका परिचय? भारतीय मजदूर संघ कोल्हान अध्यक्ष, असंगठित मजदूर। कि हमने देखा भारतीय मजदूर संघ पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई और त्राहिमाम हो रहे मजदूरों के आवाज को लेकर यहां पर एक दिवस से धरने पर बैठे हैं और इनकी 8 सूत्रीय मांगे हैं और इन्हें उम्मीद है कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के साथ ही प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी और उनकी इन बातों पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।